हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम आज लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस? ये क्या होता है पेस्टल एनालिसिस? इट इज़ अ इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। तो ये एक रिसोर्स है जिससे आप अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी और प्लान को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है फॉर इवेलुएटिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट दैट इट विल हैव ऑन परफॉर्मेंस ऑफ। तो आपका जो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है उसको स्टडी करने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। और बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, जैसे बोलते हैं ना, जिस इन्वायरमेंट में आप रहोगे, जिस जगह पे आप लोग रहोगे, आप लोग वैसे बनोगे। तो सेम ऐसे ही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है, उसको स्टडी करने में जो है ये एनालिसिस हेल्प करती है। अगर हमने अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, तो इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट हमारे परफॉर्मेंस की, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर में हमारी परफॉर्मेंस होगी, तो उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें जो है पूरा अपना इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाहिए। तो पेस्टल एनालिसिस हमारी उसी में मदद करता है। पेस्टल में जो आपकी 5 टर्म्स है, PEST, यानी टोटल 6 टर्म्स है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, इसमें जो एस है वो आपका सोशल हो जाएगा, टी हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल, और एल हो जाएगा आपका लीगल, और लास्ट में जो ई है वो हो जाएगा आपका इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें पेस्टल में बताई गई। अब हम वन बाय वन जो है इसको देखेंगे कि पॉलिटिकल में क्या है और इकोनॉमिकल में क्या है। मतलब ये 6 इंटरनल फैक्टर्स को जो है, 6 फैक्टर्स को स्टडी करके हमें बताता है कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट किस तरीके का, मतलब जिस इन्वायरमेंट पे हमारा बिजनेस रन कर रहा है, तो उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। वो पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, मतलब हर तरीके के इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताता है। तो वही हमारा पेस्टल एनालिसिस। पहला आता है हमारा पॉलिटिकल, इसके बारे में देखेंगे। पॉलिटिकल मीन्स जो आप जिस जगह पे है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कितनी स्टेबल है, जैसे कुछ कंट्रीज, सो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कैसी है, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है बिजनेस पे देखने को मिलता है। तो एक कंपनी मान लीजिए ABC, जो ऐसी कंट्री में जहाँ पे बहुत वॉर, इस तरह की स्थिति हो रही, तो पहली बात तो उसको लेबर मिल नहीं पाएंगे, चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है अपनी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, तो वो रॉ मटेरियल भी उसको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर मिलेगा भी तो बहुत महंगा होगा, यानी अब हर चीज़ महंगी होगी तो वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। यानी हर फैक्टर का, जिसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो उन सभी का हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, यानी जिस जगह पे हमारा बिजनेस है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कितनी स्टेबल है, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से है। सेकेंड फैक्टर आता है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजी। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी के लिए जो है इकोनॉमिकल फैक्टर का भी अच्छा खासा रोल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो अगर इस कंपनी को, कोई भी आपकी कंपनी है, उसको कोई भी लोन लेना होगा, तो हाई इंटरेस्ट रेट में वो क्या करेगी, उसको काफ़ी महंगा उसको लोन मिलेगा, ठीक है। और अगर उसको कोई कैपिटल एक्सपेंसिव चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो भी उसके लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट महंगे हैं, तो जब भी वो पैसा मांगेगी, पैसे को मतलब उसको कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उस केस में उसको अच्छा खासा जो है कॉस्टली कैपिटल मिलेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं इसमें, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के जो इफेक्ट है उसकी स्ट्रेटेजी पे वो डालते हैं। और इकोनॉमिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे, वो है आपका इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, टैरिफ्स मतलब जो गवर्नमेंट है वो कितना टैक्स ये सब जो है चार्ज कर रही है, ग्रोथ रेट कितना है लोकल या फॉरेन नेशनल का, एक्सचेंज रेट किस तरह से है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, और जो लेबर है वो कितनी इजिली अवेलेबल हो पाते हैं, नहीं हो पाते। तो ये सारे फैक्टर्स जोड़ के आपका इकोनॉमिकल फैक्टर्स में आ जाएगा। तीसरा आता है हमारा सोशल कल्चर फैक्टर। तो सोशल कल्चर फैक्टर का मतलब क्या है, ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, और देखा जाए तो कंट्री टू कंट्री भी नहीं, मत बोलिए, अगर इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर, उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप कभी दोनों स्टेट्स में रहेंगे, तो आप देखोगे कि अलग अलग स्टेट्स में जो है कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दिस में इंक्लूड लोकल लैंग्वेज, तो इंडिया में हर जगह पे, हर कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं साउथ में जिनकी लैंग्वेज बिल्कुल ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ स्टेट, जहाँ पे ज़्यादातर हिंदी चलता है। साउथ में अलग अलग लैंग्वेज है, तमिल हो गया आपका, तमिलनाडु में बोली जाती है, और आपका कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है, ऐसी अलग अलग, मलयालम आपके केरला में बोली जाती है। तो अलग अलग स्टेट में जो है लैंग्वेज अलग है, और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, वहाँ पे लोगों का जो कल्चर बोल सकते हैं, ठीक है, रिलीजन। साउथ में आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, सबसे ज़्यादा मंदिर साउथ में, और वो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन। नॉर्थ इंडियन में अगर आप बात करें, तो आप लोग 2 टाइम पूजा करेंगे सुबह शाम, और जो साउथ इंडियन की बात करें, तो कुछ जगह पे वो दिन में 3 बार 4 बार, और जैसे हर छोटे छोटे फंक्शन में जो है पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है साउथ इंडियन में, ठीक है। तो वही सब चीज़ें होती है, रिलीजन, कल्चर, और कुछ लोग खर्चीला खर्चे करना बहुत पसंद करते हैं। साउथ में ज़्यादातर लोग गोल्ड पे, इन सब में खर्चा करना पसंद करते हैं। नॉर्थ में अपना गोल्ड पे ज़्यादा, मतलब एक लिमिट तक रहता है, बट साउथ में गोल्ड पे ज़्यादा है। तो मतलब जगह के हिसाब से
कंट्री के हिसाब से, इन सभी फैक्टर्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे ही मिलकर आपके सोशल कल्चर फैक्टर में आ जाएंगे। कल्चर में मतलब लोगों का बाइंग बिहेवियर किस तरीके से है, जैसे इंडिया में जो है गोल्ड ज़्यादा खरीदा जाता है, ठीक है, मैरिज की बात करो तो गोल्ड बहुत ज़्यादा चलता है, बट फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन में अगर शादी होगी तो गोल्ड में खर्चा मिनिमल रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। और तो इसी की वजह से जैसे आप कहीं पे कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों का जो बाइंग बिहेवियर है, जो सोशल कल्चर फैक्टर है, वो आपके बिजनेस की ग्रोथ को जो है इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करेंगे, वो है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी भी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। आजकल का टाइम ऐसा है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट में क्या है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है पहले के कंपेरिजन में, और नए नए जो है प्रोडक्ट और नई नई सर्विसेज आजकल आ रही है, और ट्रेडिशनल जो मार्केट है वो एक तरह से इरेजिंग रीच ऑफ ट्रेडिशनल ग्राफिकल मार्केट्स एंड चेंजिंग द हिस्टोरिकल ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्शन। तो अभी क्या चीज़ें बदल गई है, अभी जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिला, और उसकी वजह से जो है चीज़ें भी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो सब भी जो है चेंज हो रहा है। पहले क्या था, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, ठीक है, जैसे ग्रॉसरी कुछ भी लेना हो, तो ग्रॉसरी के लिए आप लोग क्या करते थे कि दुकान में जाएंगे, किराना दुकान में, वहीं से आप लोग खरीदते थे, 90% ऐसे ही होता था। फिर जब से फ्लिपकार्ट इन सब में आपका ग्रॉसरी का ऑप्शन मिला, बिग बास्केट, तो अभी क्या हो गया कि अभी लोग जो है दुकान में जाके खरीदने से बेटर सीधे जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इंटरनेट का लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया। अभी पहले क्या था कि शॉपिंग करने के बाद बाहर जाएंगे आप, दुकान से ही कपड़े खरीदते थे, ठीक है, कोई भी त्यौहार है जैसे दीपावली, होली, कोई भी आपका फेस्टिवल है, तो उसमें दुकानों में बहुत भीड़ होती थी, आपको मालूम है इतनी भीड़ है, फिर भी लोग जाते थे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था पहले। बट अभी क्या है, अच्छी अच्छी सेल्स आपको मिलती है, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट की सेल्स हो गई, आपकी बिग बिलियन डे सेल हो गई, जैसे दीपावली के टाइम पर आते, तो उसमें क्या है लोग शॉपिंग करते हैं, तो इससे जो है लोगों का जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो भी चेंज हो गया, और ऊपर से लोगों का जो है चीज़ों को खरीदने का जो चीज़ें वो टेक्नोलॉजी को लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंकों में भी ऐसे, पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि कुछ भी अगर पासबुक की एंट्री चाहिए तो बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है, पहले एटीएम ये सब नहीं था, पर टेक्नोलॉजी से क्या हुआ बैंकों में, अभी सारी चीज़ें एटीएम के थ्रू हो जाती है, कैश विड्रॉल, सीडीएम, पैसा डिपॉजिट आप कर सकते हैं, कुछ भी अगर अकाउंट ट्रांसफर करना है, कोई ऑनलाइन स्टेटमेंट चाहिए तो इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, तो मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज अब टेक्नोलॉजी के थ्रू दी जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल में भी मतलब किस इन्वायरमेंट में है, जैसे कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। जब से आपका ये मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ये सब आया, तो इससे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है। किस तरह में, पहले क्या था कि जैसे कस्टमर स्टेटमेंट लेता था, मान लीजिए बहुत सारी उसकी एंट्री है, तो कई सारी पासबुक लेता था, ठीक है, अपनी सभी एंट्रीज को देखने के लिए, डेबिट क्रेडिट। लेकिन अब क्या, अगर अपने मोबाइल बैंकिंग से चेक कर रहा है तो उतनी सारी पासबुक जो पेजेस है वो सब सेफ हो, ठीक है, तो इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं। लास्ट है आपका लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर मतलब जिस जगह पे, जिस जगह पे आपका कोई, अगर मान लीजिए कोई बैंक है जिसको अपनी कोई ब्रांच खोलनी है, या कोई कंपनी है जिसको अपनी कोई ब्रांच खोलनी है, तो उस जगह पे जो है लीगल इन्वायरमेंट किस तरीके से, वहाँ पे लॉस किस तरीके का है, वहाँ का रेगुलेशन किस तरीके का है, ठीक है। अगर हम इंडिया के बैंकों की बात करें तो जो आरबीआई है, इंडिया के जो बैंक है वो किसका रेगुलेशन मानते हैं, वो आरबीआई का मानते हैं, ठीक है। तो अभी आरबीआई की बातें जो बैंकों को माननी पड़ती है, और बैंक अगर आरबीआई ने कोई बोला है कि 4% सीआरआर रखना या 20% एसएलआर रखना, तो बैंकों को मानना ही पड़ेगा। तो ये सभी क्या है, लीगल फैक्टर, मतलब वहाँ पे लीगली आपको कितनी देर चीज़ें माननी पड़ रही है, आपके जो रेगुलेटर का जो कंप्लाइंसेस है, कंप्लाइंसेस मतलब जो रेगुलेटर बोलेगा उस तरीके से हमें काम करना है, तो जो रेगुलेटर के कंप्लाइंसेस है उनको पूरा करने के लिए आपको किस तरीके से जो है कितना कॉस्टली आपको आएगा। जैसे रेगुलेटर ने बोला है कि 4%, बैंकों के रेगुलेटर आरबीआई ने बोला है कि 4% सीआरआर रखना है, 20% एसएलआर रखना है, तो ये जो है एक तरह से का एक तरह के खर्च है, ठीक है, तो ये सारे हमारे लीगल फैक्टर में आ जाएंगे। तो पेस्टर में हमने यही सारा देखा, पॉलिटिकल मतलब वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी कितनी स्टेबल है, इकोनॉमिक में आपकी जो है लोगों का बाइंग बिहेवियर किस तरीके से है, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक में, सॉरी सॉरी, बाइंग बिहेवियर आपका सोशल कल्चर वाले में आ जाएगा, इसमें इंटरेस्ट रेट वाला, इन्फ्लेशन, ठीक है, और आपकी ग्रोथ रेट, ये सब आपका इकोनॉमिक में आ जाएगा। सोशल कल्चर में लोगों का बाइंग बिहेवियर, रिलीजन, लैंग्वेज, अलग अलग कंट्री, तो ये सब आपका सोशल कल्चर में आ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल, नई नई टेक्नोलॉजी का आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये हो गया। इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है इन्वायरमेंटल को भी काफ़ी इसमें बेनिफिट हुआ है। और लीगल फैक्टर्स मतलब आपके जो लीगल, जो गवर्नमेंट है, आपके जो रेगुलेटर्स है, उसकी बातों को मानने के लिए, उसके कंप्लाइंसेस के लिए आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो वो आपका लीगल फैक्टर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। इस तरह का हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था, बट एक्जैक्टली जो है ये क्वेश्चन इस तरह से, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। इसमें जो एस है, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से आपका वीकनेस हो जाएगा, ओ से आपका अपॉर्चुनिटी, और टी से आपका थ्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस किस लिए होती है, जब भी हम अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए हम अपने बिजनेस की स्वॉट एनालिसिस करते हैं।
इसमें से जो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएगा, और जो आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो आपके एक्सटर्नल में आ जाएगा। तो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट बताता है कौन स्ट्रेंथ और वीकनेस, और आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी देता है कौन आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या। स्ट्रेंथ, गिव योर सेल्फ सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन वट यू डिड वेल, वट टास्क दैट वर विद इन योर कम्फर्ट जोन दैट वर गुड। स्ट्रेंथ मतलब आपके बारे में एक अच्छी चीज़ कि आपकी स्ट्रेंथ, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, आपने एक अच्छी ब्रांड इमेज बनाई है, तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ है। वीकनेस मतलब ऐसी, जैसे बोलते हैं ना ये मेरा वीकनेस है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत लेजी हूँ ये मेरा वीकनेस है, तो इसका मतलब आपको इसमें इंप्रूवमेंट करना है। तो वीकनेस आपका नेक्स्ट स्टेप है। ये दोनों ही आपके अपने कंट्रोल में, अगर आपकी कोई अच्छी चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है तो ये आपके कंट्रोल में है, और कोई चीज़ वीकनेस है ये भी आपके कंट्रोल में है, ठीक है। इसीलिए इसको इंटरनल बोला जा रहा है। इंटरनल फैक्टर मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे लिए इंटरनल फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों पे हमारा पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या चीज़ अच्छी है, वीकनेस मतलब क्या चीज़ जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तीसरा आता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर में, जो कि आपका अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू एनी फैक्टर दैट हैज़ पोटेंशियल टू कन्फर कॉम्पिटेटिव अपॉर्चुनिटीज, मतलब मार्केट में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे हैं, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। इसको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैगी, मैगी का जो मसाला है उसके बाद भी बहुत सारे नूडल्स आए अपार्ट फ्रॉम मैगी, मैगी के बाद और भी अपने कई सारे नूडल्स थे क्योंकि, बट मैगी का जो मसाला है उसमें जो टेस्ट है वो बाकियों में नहीं है, ठीक है। और यही उसकी क्या बोलते हैं जैसे ब्रांड इमेज है, मतलब मैगी की जो मसाला है ना उसका जो टेस्ट है उसी की वजह से मैगी इतनी अच्छी है, तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर काम करता है, और देखा जाए तो ये उसकी स्ट्रेंथ भी है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसी क्या चीज़ जिसकी वजह से आप मार्केट में आगे हैं, अपने कॉम्पिटिटर से आप लोग आगे। और स्ट्रेंथ मतलब क्या चीज़ आपने अच्छी की, वो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है, ठीक है। वीकनेस मतलब कहाँ चीज़ आपको इम्प्रूव करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज मतलब कहाँ पे आपको इम्प्रूव, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या क्या आपके पास ऑप्शन है जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव से एडवांटेजेस लिए हुए, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव से आगे हैं। थ्रेट्स मतलब ऐसी क्या चीज़ जिससे मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से आप बाकी उससे पीछे रह गए, ठीक है। तो थ्रेट्स मतलब ऐसी क्या चीज़ है जैसे आप बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी को ग्रो नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए थ्रेट है। मान लीजिए टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट आ गया और आप जो है जैसे बोलते हैं ना 5G के टाइम पे आप 4G में हैं, तो इसका मतलब आप बाकियों से पीछे हैं, तो ये आपके लिए थ्रेट है, ठीक है। तो चार चीज़ों के एनालिसिस यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट आर प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के क्या प्रिंसिपल, तो जब भी हम लोग डिसीजन लेंगे, चाहे सिंगल डिसीजन ले या इंडिविजुअल ग्रुप डिसीजन ले, तो सिंगल और ग्रुप डिसीजन में डिफरेंस क्या होता है। सिंगल में एक पर्सन जैसे कोई चेयरमैन है उसी को डिसीजन लेना पड़ता है। ग्रुप में क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना वहाँ पे पांच आपके रहते हैं जज, और उनके द्वारा वोटिंग की जाती है, जो मैक्सिमम जिसके फेवर में आएगा तो वो डिसीजन फाइनल लिया जाता है। तो जब ग्रुप के द्वारा डिसीजन लिया जाए तो उसको बोला जाता है ग्रुप डिसीजन। और जो तीन प्रिंसिपल इसको लेके बताए गए, सिंगल डिसीजन के फायदे भी हैं, क्या फायदे हैं कि फटाफट से डिसीजन हो जाता है। ग्रुप के भी कुछ फायदे और नुकसान भी। फायदे ये है कि एक से ज्यादा लोग मिल जाते हैं तो एक सही डिसीजन जो है लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन सोचेगा, एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे पांच लोगों का रहता है, पांच या दस कितने भी ग्रुप में हो सकते हैं। ग्रुप में कई सारे लोगों को हायर करना पड़ता है क्योंकि उनको रखा जाता है डिसीजन पर्पस के लिए, तो उनको पैसा देना पड़ता है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू सिंगल। ग्रुप डिसीजन के कुछ और कुछ नुकसान की एक और बात करते हैं कि ग्रुप में क्या होता है कि कई बार जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो आपस में डिस्कशन ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें अगर आप मिला देंगे खाने में तो बिल्कुल खाना खराब हो जाएगा, आपने नमक चीनी मिर्च सब कुछ मिला दिया, पर अगर कुछ लिमिटेड चीज़ें बनाई तो अच्छे से काम करेगी। तो ग्रुप डिस्कशन में एक से ज़्यादा अगर लोग होंगे तो बेनिफिट भी है कि एक अच्छा और सही डिसीजन आएगा जिसमें कई लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, पर कई बार ऐसे भी होगा कि वो आपस में ही जो है सहमति नहीं बन पाती जिसकी वजह से सही डिसीजन नहीं लिया जाता। तो डिसीजंस के जो है प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो तीन प्रिंसिपल है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, और तीसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन क्या बोलते हैं, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू इन्वॉल्व गोज ए लॉन्ग वे इन अराइविंग एट ए बेटर डिसीजन। यानी जब भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस चीज के लेके आप डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसकी आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, ठीक है। वही है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, मतलब आप डिफाइन कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है जिसके आप डिसीजन लेने जा रहे हो, एग्जैक्टली क्या है। आफ्टर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड, तो आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, और आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है इसके लिए हमें डिसीजन लेना है, द वर्क ऑफ डिसीजन मेक बिकम्स ईजियर। तो अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया उसके बाद जो है डिसीजन लेने का काम बहुत आसान हो जाता है। तो पहला आपका प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। इसका मतलब
वेन एवर अ डिसीजन इज बेस्ड ऑन इविडेंस, इविडेंस मतलब प्रूफ, अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है जब आप डिसीजन ले रहे हैं, इट इज लाइकली टू बी बेटर कम्पेयर टू डिसीजन टेकन ऑन डिटेल्स विच आर नॉट बैक इविडेंस। तो अगर इविडेंस के साथ आपने डिसीजन लिया है तो उसको बेटर माना जाएगा एज कम्पेयर टू बिना एविडेंस के आपने कोई डिसीजन लिया, मतलब आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है और आपने फिर डिसीजन ले लिया तो उसको ज़्यादा बेहतर बेटर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर एविडेंस इकट्ठे किए और उसके बाद जाके अगर आपने डिसीजन लिया है तो इस वाले को बेटर माना जाएगा। तो वह आपका प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। तो बेटर है जितने एविडेंसेस हो सके कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो है डिसीजन लीजिए। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, सिंपल सी बात है कि आपका माइंड क्या होना चाहिए, ओपन माइंड से आपको जो है डिसीजन लेना चाहिए। तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सभी का जो है व्यू पॉइंट आपको समझना चाहिए। जैसे जज है तो दोनों पक्षों के जितनी भी गवाह है सबकी बातें सुनने के बाद जो है जज एक फाइनल डिसीजन लेता है। तो सिंपल वही वाला प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम करता है कि जब भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका माइंड बिल्कुल ओपन माइंड होना चाहिए, आप सभी पक्षों की बातें सुनेंगे और फिर एक फाइनल डिसीजन लेंगे। तो वही आपका प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो तीन प्रिंसिपल की यहाँ पे बात की थी। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन मतलब जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, वो एक तरह से डिसाइड कर रहे हैं, पर उनको मालूम होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो वही इसमें बोला गया। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो जितने अच्छे एविडेंस आपके पास होंगे प्रूफ, तो उतना अच्छा आप डिसीजन ले पाओगे एज कम्पेयर टू बिना एविडेंस का आप डिसीजन ले रहे हैं। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका माइंड ओपन माइंड होना चाहिए। तो जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं, मान लीजिए कई लोग हैं उनकी बातें सुनने के बाद आपको डिसीजन ले रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं उन सभी का व्यू पॉइंट्स को सुन लीजिए और उसके बाद जो है डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो ये तीन हमारे मेन मेन प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन में आ गए। सेकेंड क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में मतलब क्या होगा कि जो भी टास्क है इंडिविजुअल्स या वर्क फोर्स उनको जो है टास्क दिया जाता है लोगों को, तो वही हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। तो जो टास्क है उसका बंटवारा किया जाएगा, इसको ये करना है उसको वो करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है टास्क टास्क का बंटवारा, काम का बंटवारा, तो वो ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में किया जाएगा। मैनेजमेंट के हमने कई स्टेज देखे थे ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वो सब, तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। वट इज सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द वन इन विच द की डिसीजन सच एज रिसोर्स एलोकेशन। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ज़्यादातर आप उनको बोल सकते हैं सेंट्रलाइज, क्योंकि वहाँ पे जो सिंगल इंडिविजुअल है वो मेन डिसीजंस वही लेता है। ठीक है, और उसी को मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, तो वही है सेंट्रलाइज। तो जहाँ पे मेन मेन जो डिसीजंस होते हैं कंपनी को लेके, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है, कहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट करना है, तो वो सारे किसी सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा की जाएगी, सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा। तो वो होगा हमारा सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट स्मॉल फर्म आर रन इन सेंट्रलाइज मैनर इन विच द बिजनेस ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल इसेंशियल चॉइस कंसर्निंग प्रोडक्ट। तो जो छोटी छोटी फर्म्स होती है तो वो सेंट्रलाइज मैनर पे जो काम करती है, इसमें जो बिजनेस ऑनर है वही रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे इंपॉर्टेंट चॉइसेस, सारे डिसीजन प्रोडक्ट को, सर्विसेज को लेकर, स्ट्रेटेजी डायरेक्शन को लेकर, या कोई भी और क्रिशल एरिया का जो डिसीजन है सिंगल पर्सन जो है इसमें करता है। हाउ ऑन द अदर हैंड द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर इट टू बी सेंट्रलाइज। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है वही सेंट्रलाइज होगी, कई बार बड़ी भी हो सकती है, बट जनरली जो है छोटे ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होती है। तो सेंट्रलाइज में सारा काम, सारा डिसीजन सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे एक होता है हमारे डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब अलग अलग बटा हुआ है। मोस्ट ऑफ टाइम सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर लेस रिस्पॉन्सिव टू लोकली फोकस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। तो कई बार हमारे इन्वायरमेंटल के चैलेंजेस होते हैं, कई सारे मार्केट के चैलेंजेस है, तो सिंगल जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो अच्छे से रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो बेटर नहीं होती, इसलिए जो है अलग अलग पर्सन को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ताकि वो डिसीजन ले सके। तो वो होगा हमारा डिसेंट्रलाइज, यानी जब एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो अलग अलग डिसीजंस के लिए। जैसे टॉप मैनेजमेंट को डिसीजंस मालूम है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, पॉलिसीज को लेके टॉप मैनेजमेंट ले, फिर मिडल मैनेजमेंट जो है ऑपरेशन को लेके करे, तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के जो इंडिविजुअल्स हैं, स्टाफ है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है सही डिसीजन लेने के लिए, तो वो होगा हमारा डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे आपका आता है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव कम टुगेदर टू सॉल्व इशूज दैट आर एक्सपीरियंस बाई ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन को जो जो इशूज फेस कर रहे पड़ रहे हैं, तो एक कुछ इंडिविजुअल का ग्रुप बना दिया जाएगा ऐसे होल फॉर्म। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, इसको लेके कमेटी बनाई गई है, तो कमेटी का मतलब उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, और उसमें उनका पर्पज़ क्या है पूरे ग्रुप का, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को इशू हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रही है, तो उसका रेजोल्यूशन करना। ठीक है, तो वही उस कमेटी का पर्पस है। तो वही होती है हमारी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे एक ग्रुप जो है बनाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन से जो इशू है उनको वो रिजोल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जनरली तीन टाइप का होता है आपका, वर्टिकल चार्ट, वर्टिकल चार्ट ऐसा होगा टॉप से डाउन, हॉरिजॉन्टल चार्ट इस तरीके का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन,
तीसरा होगा आपका सर्कुलर चार्ट। सर्कुलर चार्ट का मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया है, ये देखिए सर्कुलर चार्ट। ठीक है, तो तीन तरह से जो आपके चार्ट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और सर्कुलर। हॉरिजेंटल में क्या होगा, टॉप टू टॉप। हॉरिजेंटल चार्ट को आप टॉप डाउन चार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है टॉप से डाउन ऐसे लिखा जाता है। इट डिपिक्ट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए हायरार्किकल पिरामिड। तो पिरामिड के तौर पे इसमें चीज़ें लिखी जाती है, विद ए लाइन ऑफ कमांड दैट डिसेंड फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट। तो इसमें टॉप लेवल पे सीईओ को रखा जाएगा, करते करते अगर हम बैंकों की बात करें तो एमडी और सीईओ आपका हो गया टॉप लेवल पे। ठीक है, चेयरमैन सबसे ऊपर है, फिर एमडी, सीईओ और ये सब आपका उसमें से डाउन में आपका जो बोल सकते हैं जूनियर एसोसिएट, या उससे नीचे की भी कोई पोजीशन आपके बैंक में, तो वो तो इस तरह से जो है पोजीशन को लिखा जाएगा, तो वो होगा आपका वर्टिकल चार्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तीन तरह से, वर्टिकल में टॉप टू डाउन। टॉप में सबसे जो हाईएस्ट रैंक है जैसे आपके चेयरमैन, उसको टॉप पे रखा जाएगा, और सबसे नीचे अगर मान लीजिए सब जूनियर या सब जूनियर भी जो होते हैं तो वो आपका डाउन में रखा जाएगा। तो इसमें जो है बताया जाएगा जो टॉप लेवल पे उसके पास क्या क्या पोजिशंस है, और द पोजिशन दैट होल्ड द हाईएस्ट रैंकिंग इज डिस्प्लेस एट द टॉप। तो जो सबसे हाईएस्ट रैंक की पोजिशन है उसको ऊपर रखा जाएगा सबसे ऊपर, और जो पोजिशन जिसकी रैंक सबसे कम होगी उसको सबसे नीचे रखा जाएगा। ठीक है, तो वही आपका वर्टिकल चार्ट। वर्टिकल चार्ट को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे चेयरमैन को रखा जाएगा और लास्ट में आपका सब एसोसिएट, एसोसिएट। ठीक है, इस तरह से ये सेकेंड आता है हमारा हॉरिजेंटल चार्ट। हॉरिजेंटल सीधा चार्ट होगा, इट गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट इस तरह से आपका चार्ट रहेगा। द चेन ऑफ कमांड इज ब्रोकन इन टू हॉरिजेंटल सेक्शन। तो जो भी चेन ऑफ कमांड है हॉरिजेंटल सेक्शन में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए चार डिपार्टमेंट है, एक सेल्स है, एक प्रोडक्शन है, अलग अलग डिपार्टमेंट और उनको अलग अलग कमांड दी गई है। और रीडिंग प्रोग्रेस फ्रॉम मोस्ट डिफिकल्ट टू लीस्ट डिफिकल्ट एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में जो है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होंगे, मोस्ट डिफिकल्ट, और सबसे लास्ट में लीस्ट डिफिकल्ट होंगे। मतलब इसी लाइन को आप ऐसे, ये जो हॉरिजेंटल वाली लाइन थी ना, इसको आप ऐसे कर दीजिए, सॉरी वर्टिकल वाले को हॉरिजेंटल कर दीजिए। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजिशन में होंगे, टॉप पोजिशन आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे जो है सबसे कम ईजी पोजिशन में होंगे। तो वही आपका हॉरिजेंटल चार्ट। तीसरा आता है आपका सर्कुलर चार्ट। एक चार्ट और बनाया जा सकता है जिसको हम सर्कुलर चार्ट का नाम ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी जॉब्स होगी वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताई जाएंगी। सर्कुलर चार्ट को आप डायग्राम से समझ पाएंगे, ये देखिए इसमें क्या है, सर्कल में किसको रखा गया, सीईओ, फिर सीईओ के अंडर जो है जो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं सीएमडी, फिर आगे उसको रिपोर्ट कर रहे हैं आगे उसको, मतलब जो सबसे मेन पोजीशन है चेयरमैन सीईओ आप बोल सकते हो, तो उसको बीच में रखा है। और उस जो सीईओ को ये तीन डिपार्टमेंट मान लीजिए, चार डिपार्टमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पांच दिखा रखे, रेड, येलो, लाइट येलो, ब्लू, आपका ग्रीन, जो भी है इन पाँचों को जो है सी रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये जो डिपार्टमेंट है इनको ये दो रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर इन दो को ये तीन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपका चार्ट कंप्लीट होता है, यही आपका सर्कुलर चार्ट। सो ये जो पांच और ये जो तीन चार्ट है इसके बारे में मैंने बात की थी। वर्टिकल में टॉप से लेकर डाउन सबसे जो बड़ी पोजीशन है वो टॉप में रखा जाएगा, सबसे छोटी पोजीशन को डाउन में। हॉरिजॉन्टल चार्ट में लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाले में सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट टास्क है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है आपका काम लेफ्ट वाले में रहेगा, और राइट में आते आते सबसे ईजी हो जाएगा। सर्कल में एक जो मेन पोजिशन है सर्कल में उसको दी जाएगी, जैसे सीईओ, सीईओ को पाँच रिपोर्ट कर रहे हैं, उन पाँच को ये, इन पाँच में से ये जो जैसे सीएमडी है, सीएम हुआ, ये इसको रिपोर्ट, इनको ये दो रिपोर्ट कर रहे हैं, इन दो को ये तीन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, मतलब चार्ट क्या, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है, चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कई बार वर्टिकली मतलब ऑलमोस्ट बातें सेम है, चीज़ें सेम है, पर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। जैसे बात एक है पर अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, तो बिल्कुल ये वैसे ही है, बात वही बोली जा रही है कि टॉप से डाउन, लेकिन वो वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट। इसमें सर्कल, सर्कल है मेन पोजिशन को बीच में रखा गया, बाकी को साइड में रखा गया। तो इस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट बनाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज कुबलर रोज फाइव स्टेज मॉडल। तो इसने जो है पांच स्टेज एक मॉडल दिया है, और इसने एग्जैक्टली क्या किया था, इन्होंने कंडक्ट की थी रिसर्च ऑन डेथ एंड डाइंग, और इनके मॉडल को एक और नाम दिया जाता है, वो है ग्रिफ मॉडल। ठीक है, ग्रिफ का मतलब क्या होता है, दुख, सैड, सैडनेस। तो इनके मॉडल को सैडनेस का नाम दिया जाता है। ये एग्जैक्टली क्या बताता है, इसका जो नाम ग्रिफ मॉडल इसीलिए रखा गया बिकॉज इट डिस्कस द वेरियस इमोशनल स्टेट एंड स्टेजेस दैट पीपल गो थ्रू व्हेन दे बिकम अवेयर दैट देयर टाइम। इसमें बोल रहा है कि जब लोग, इन्होंने मतलब डेथ और डाइंग के टाइम पे कई लोगों पे रिसर्च की थी, और उसमें उन्होंने देखा था कि जब उनका टाइम खत्म होने वाला है तो अलग अलग इमोशनल स्टेज में जो है लोग गुजरते हैं। ठीक है, उसी को उन्होंने बताया था। और ये जो स्टेजेस आती है, ये स्टेजेस पर्सन के साथ तब भी होती है
दिस मॉडल इज अडेप्टेबल टू अ वेराइटी ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो इन्होंने जो जनरली स्टडी की थी वो जिन लोगों का डेथ या डाइंग के स्टेज में, तो उनके ऊपर रिसर्च की थी, और इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो इमोशनल स्टेज लोगों को फेस करनी पड़ती है जब उनका टाइम आता है. लेकिन ये जो मॉडल है इस्तेमाल किया जा सकता है और भी जगह पर, जैसे बट नॉट लिमिटेड टू लॉस ऑफ जॉब और शिफ्ट इन, मतलब और भी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में, जैसे आप वर्क प्लेस में है, जॉब चला गया, या वर्क में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कुछ शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इसमें क्या क्या इन्होंने स्टेजेस बनाई बताई थी, 5 स्टेजेस, इसका नाम ही है 5 स्टेज मॉडल. तो कौन सी 5 स्टेज इन्होंने बताई थी ह्यूमन बींग की? पहला था डिनाइल, वेन पीपल आर अनेबल टू एक्सेप्ट द न्यूज अबाउट देयर डायग्नोसिस दे आर सेट टू बी इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉडल विच इज कॉल्ड डिनाइल. डिनाइल मतलब जब लोग किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप उनको कुछ बता रहे बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो फर्स्ट स्टेज है डिनाइल. सेकेंड है एंगर, आफ्टर केयरफुली प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन वंस इनिशियल रिएक्शन इज फ्रीक्वेंटली एंगर. तो जब भी आपको कुछ चीज़ पता लगती है, डिनाइल मतलब जैसे कुछ मान लीजिए आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, या जॉब आपका चला गया, या मान लीजिए आपके ऑफिस में कुछ चेंज हो रहा है, आपकी पोजिशन को लेकर चेंज हो रहा है, तो पहले आप मना करेंगे. हर कोई अपने कम्फर्ट जोन में रहना चाहता है, ठीक है, तो पहले आप मना करेंगे. फिर सेकेंड आपका जो ये मतलब इमोशनल स्टेट बता रहा है कि ह्यूमन में किस किस तरह से रिस्पॉन्ड देता है, तो पहले आपका मना होगा कि नहीं नहीं करना. फिर सेकेंड आ जाएगा एंगर, जब आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे कि नहीं मेरी भी पोजीशन चेंज होने वाली है, मुझे अभी इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, तो अगला आपका जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा. अभी स्टेज में आप मना कर रहे थे, अब आप पहुंच जाएंगे एंगर वाले स्टेज में. तीसरा नंबर आएगा आपका बार्गेनिंग. बार्गेनिंग मतलब जैसे हम दुकानदार में बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा वैसा, तो इसमें बार्गेनिंग जो आपका तीसरा स्टेज है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल आंसर्स टू प्रॉब्लम और प्रॉब्लम दैट हैज बीन प्रेजेंटेड. तो जो भी प्रॉब्लम हमारी है उसका हमें आंसर जानने की कोशिश करनी पड़ेगी बार्गेनिंग में. मतलब इसमें हम बात करेंगे, अपने ऑफिशियल से बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या मेरे को आप ट्रांसफर ना दो, इस तरह से जो है आप उसमें बार्गेनिंग करोगे. डिप्रेशन, जब आपको रियलाइज होता है दैट देयर अटेम्प्ट और बार्गेनिंग आर फ्रूटलेस, जब आपको लगता है कि आपने इतनी बार्गेनिंग की बट वो किसी काम की नहीं है, इट कैन कॉज देम टू एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ डिप्रेशन. तो आपका जो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आप डिप्रेशन जो है डिप्रेस फील करते हैं. लास्ट आपका एक्सेप्टेंस. लास्ट में जो है एग्जैक्टली होता क्या कि ह्यूमन हर स्टेज से गुजरता है, पहले वो मना करता है, ठीक है, फिर वो गुस्से में आता है, फिर वो बार्गेन करने की कोशिश करता है, वो भी फ्रूटफुल नहीं है तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन के बाद जो लास्ट स्टेज है मतलब डिप्रेशन में भी आप कब तक रहोगे, जैसे कहते हैं ना टाइम के साथ जो है जितने भी घाव वो सब भर जाते हैं, तो वही बात यहाँ पे की गई है. डिप्रेशन स्टेज के बाद इंसान अगले स्टेज में आता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज अकरिंग, क्या जो हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं. और एक्सेप्ट पर्सन तभी करता है व्हेन ए पर्सन रियलाइज दैट बीइंग डिप्रेस्ड और फाइटिंग चेंज सेव नो पर्पस. उसने जो जो भी चेंज होने वाला है उसके रिगार्डिंग उसके अगेंस्ट उसने फाइट किया और काफ़ी डिप्रेस रहा बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, देर इज नो पॉइंट इन डूइंग इधर. तो उसको फिर ऐसा फील होता है कि ये सब करके कोई फायदा भी नहीं है, तो उस स्थिति को जो है एक्सेप्ट कर लेता है. तो वो है आपका एक्सेप्टेंस स्टेज, ठीक है. तो इन स्टेजेस से, 5 स्टेजेस से कोई ह्यूमन बींग गुजरता है, अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो कुबलर रोज के द्वारा ये मॉडल दिया गया था. पहले वो मना करेगा, फिर वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा दिखाएगा, एंगर, फिर उसके बाद वो बार्गेनिंग करेगा, फिर बार्गेनिंग भी किसी रिजल्ट को फ्रूटफुल रिजल्ट को नहीं देगी तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और डिप्रेशन भी कब तक रहेगा, कुछ टाइम बाद वो डिप्रेशन स्टेज से बाहर आके एक्सेप्टेंस स्टेज में आ जाएगा, जब उसको लगेगा कि फाइटिंग जिस चेंज के लिए वो फाइट कर रहा है या जिसके लिए वो डिप्रेशन में है, तो वो कब तक मतलब उससे कोई खास जो है बेनिफिट नहीं आ रहा, तो ऐसा करने में कोई फायदा भी नहीं है, देर इज नो पॉइंट इन डूइंग इधर, ना डिप्रेस रह के और ना ही फाइट करके, इसमें कोई फायदा नहीं है. तो उस स्थिति को क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं. तो वो होगा आपका एक्सेप्टेंस स्टेज. इसके साथ आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, और ABFM के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको 2 हैंड्स के आप मिल जाएंगे, 400+ के आपको क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पर मिल जाएंगे. आप लोग 2 हैंड्स की ऐप से इन क्वेश्चन आंसर्स को फ्री में जो है अवेल कर सकते हैं. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.